आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये हिंदी फिल्मों में दादी, नानी, मदर, मौसी के रोल्स के लिए फेमस है। इन्होंने 120 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्मों में इसी तरह के किरदार इन्होंने निभाए हैं। लेकिन इनके किरदार में अलग बात ये होती थी कि ये रोतलू या इमोशनल की जगह एक चिल्ड आउट, हंसी मजाक करने वाली मदर या ग्रैनी के किरदार निभाती थी। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह और पंकज कपूर इनके दामाद हैं, वहीं सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक इनकी बेटियां हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बेहतरीन थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस लेट दीना पाठक जी की। दीना पाठक की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दीना पाठक को कॉलेज से निकाल दिया गया, क्यों दीना पाठक इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद पूरी जिंदगी कैरेक्टर रोल्स ही करती रही, लीड हीरोइन नहीं बनी, और कैसे दीना पाठक ने जिस शख्स से शादी की थी उस शख्स के प्रोफेशन को लेकर उन्हें ताने पड़ते थे। दीना पाठक का जन्म फ्रीडम से पहले हुआ था। जूनागढ़ से बिलोंग करती थी, गुजराती कंजर्वेटिव फैमिली में उनका जन्म हुआ। दीना पाठक की दो और बहनें हैं, तरला मेहता और शांता गांधी, ये भी दीना पाठक की तरह थिएटर से ही जुड़ी हुई है। दीना पाठक को बचपन से ही फैशन का और एक्टिंग का शौक था। इनफैक्ट फैशन से तो वो इतनी ज़्यादा फैसिनेटेड थी कि एक टाइम पर उन्होंने एक फिल्म में एक एक्ट्रेस को एक कोट पहने देखा था। उन्होंने वैसा का वैसा कोट अपने दर्जी से बनवाया। हालांकि दर्जी को जब समझ नहीं आया तो तीन बार दीना पाठक ने अपने दर्जी को वो फिल्म दिखाई, तब जाकर उनका वो कोट बना। कुछ इस तरीके से वो फैशन की तरफ अट्रैक्टेड थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जिस वक्त सेंट जेवियर कॉलेज से दीना पाठक अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी इंडिया में ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए मोमेंट चल रहा था। और तब दीना पाठक कई ऐसे नाटक का हिस्सा बनती थी जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता था ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने का। वो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में शामिल हुई और उनकी इसी बात के कारण इस कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया। फिर आगे चलकर उन्हें अपनी एमए दूसरे कॉलेज से कंप्लीट करनी पड़ी। लेकिन यहाँ से दीना पाठक का थिएटर में ग्रुप होने लग गया और वो थिएटर में इन्वॉल्व होने लगी। गुजरात के भवाई थिएटर से वो पहले जुड़ी, जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए नाटक करता था, और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर ज्वाइन कर लिया। और इस दौरान उन्होंने एक शो किया, मैना गुर्जारी। ये शो इतना पसंद आया लोगों को कि इस ड्रामा को देखने के लिए लोगों की लाइन लगा करती थी। थिएटर फील्ड में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा यही है। इनफैक्ट 1957 में उन्होंने तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने भी ये प्ले परफॉर्म किया था राष्ट्रपति भवन में। और यहाँ से दीना पाठक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, न्यूज़पेपर में उनको लेकर खबरें छपने लगी थी। लेकिन दीना पाठक के पिता उनके इस प्रोफेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके पिता चाहते ही नहीं थे कि दीना पाठक एक्टिंग करे या एक्टिंग के बारे में सोचे भी। यही कारण है कि एक बार जब दीना पाठक को लेकर न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक स्टार का जन्म हुआ है, तो दीना पाठक ने अपनी बहनों को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि न्यूज़पेपर आज पापा तक नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ इस तरह का डर था दीना पाठक को। जहां थिएटर में एक तरफ वो आगे बढ़ रही थी तो उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे लीड हीरोइन के, लेकिन पिता ने मना कर दिया। पिता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। यही एक कारण है कि दीना पाठक इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद एक कैरेक्टर एक्ट्रेस बनी। पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में नाचे गाए या हीरो के साथ रोमांस करे। जहाँ तक बात है पर्सनल लाइफ की, तो दीना पाठक ने उसी दौर में शादी की बलदेव पाठक से। बलदेव पाठक गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी सिलाई की दुकान चलाया करते थे। तब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी ग्लैमराइज नहीं हुई थी। यही कारण है कि आज जिन लोगों को फैशन डिजाइनर के रूप में जाना जाता है, तब उन्हें दर्जी कहा जाता था। बलदेव पाठक गेटवे पर अपनी दुकान चलाते थे। दुकान सिलाई की थी, लेकिन सिलाई होती थी राजेश खन्ना साहब के कपड़ों की, सिलाई होती थी दिलीप साहब के कपड़ों की। इनफैक्ट राजेश खन्ना साहब के जो फेमस कुर्ते थे वो बलदेव पाठक ही सिला करते थे। बलदेव पाठक से दीना पाठक को दो बेटियां हुई, सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक। आगे चलकर दोनों ने ही हिंदी फिल्म एक्टर से ही शादी की। सबसे बड़ी बात, इन दोनों एक्टर्स की ये सेकंड वाइफ्स बनी। जहां नसरुद्दीन शाह ने दूसरी शादी रत्ना पाठक से की, वहीं पंकज कपूर ने भी दूसरी शादी सुप्रिया पाठक से की। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि दीना पाठक शाहिद कपूर की सौतेली
नानी लगती है। घर बसाने के बाद, बच्चे होने के बाद दीना पाठक ने थिएटर के साथ साथ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इतने साल थिएटर में काम देने के बाद ईयर 66 से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इनिशियली उन्होंने उसकी कहानी नाम की फिल्म में काम किया और इसके बाद जिस फिल्म से अमिताभ ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया, यानी कि सात हिंदुस्तानी, इस फिल्म का भी हिस्सा रही। यहाँ से दीना पाठक ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की और अपने ज़िंदगी के अंत तक वो फिल्मों में काम करती रही। हालांकि कैरेक्टर रोल्स ही निभाए, मदरली रोल्स, दादी, नानी, मौसी के रोल्स में वो नज़र आई। सबसे ज़्यादा जिन फिल्मों में उनके रोल्स को पसंद किया गया वो है चित्चोर, गोलमाल। इनफैक्ट गोलमाल फिल्म में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया था और जहाँ एक तरफ उस दौरान जो मदर्स के इमोशनल रोल्स दिखाए जाते थे, सीरियल्स ट्रेजेडी वाले रोल्स दिखाए जाते थे, वहीं अगर कहीं चिल्ड आउट मदर या चिल्ड आउट ग्रैंड मदर का रोल होता था तो वो रोल्स दीना पाठक जी को ही जाया करते थे। फिल्मों में काम करने के दौरान भी दीना पाठक थिएटर में एक्टिव रही। उन्होंने एक टाइम पर अपना खुद का थिएटर ग्रुप भी शुरू किया अपनी बहनों के साथ, जिसका नाम रखा नट मंडल। अहमदाबाद में ये थिएटर ग्रुप काम करता था। दीना पाठक ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत कुछ किया है, लेकिन गुजरात थिएटर इंडस्ट्री को खड़ा करने में भी दीना पाठक का बहुत बड़ा हाथ है। दीना पाठक से ही एक्टिंग स्किल्स ली है उनकी बेटियों ने, रत्ना और सुप्रिया पाठक ने, जो आज इंडस्ट्री की नामी एक्ट्रेसेस हैं और जो भी रोल निभाती है अलग ढंग से निभाती है, लोगों का ध्यान खींचती है। दीना पाठक 80 की उम्र तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही। आखिरी फिल्म उन्होंने की थी उर्मिला मातोंडकर वाली फिल्म पिंजर। हालांकि इस फिल्म को वो देख नहीं पाई थी क्योंकि फिल्म की रिलीज से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के कारण। मल्टीपल डिजीजेस से वो जूझ रही थी, एज रिलेटेड इश्यूज थे और उनकी डेथ से कुछ ही समय पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी। आज दीना पाठक जी हमारे बीच है नहीं, लेकिन उनके रोल और उनका चेहरा सामने आते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं कि ये तो हमारी हिंदी फिल्मों की बेस्ट नानी, बेस्ट दादी या बेस्ट मदर के किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस है। दीना पाठक जी का कौन सा रोल, कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद आई, बहुत मजाकिया लगी, पेट पकड़ कर आप हंसे उस फिल्म को देखकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और कहानी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।